मोदी सरकार का राहुल गांधी को करारा जवाब। राफेल डील पर सरकार के झूठ को किया बेनकाब। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील पर लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल के हमलों के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर डील से जुड़ी कोई जानकारी देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा यूपीए के दौर का हवाला देकर कहा कि उस दौरान भी ऐसा ही होता था। लेकिन राहुल ने अपने सबूतों के जरिए सरकार के दावों की हवा निकालने की कोशिश की है। दरअसल राहुल गांधी ने यूपीए कार्यकाल के दौरान तीन अलग अलग समय पर सांसदों की ओर से डिफेंस डील को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, प्रिय मिस्टर जेटली, आपने कहा था कि यूपीए ने रक्षा खरीद की कीमतों की जानकारी कभी नहीं दी। आपके झूठ का पर्दाफाश करते हुए यहां रक्षा सौदों की कीमतों को लेकर यूपीए की ओर से दिए गए तीन संसदीय जवाबों को दिया जा रहा है। अब आप अपनी रक्षा मंत्री से कहें कि वो देश को बताएं कि राफेल विमान कितने में खरीदा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में एक बार फिर से जेटली की जगह जेटली लिखा है। लेकिन राहुल ने जो ट्वीट किया है उसमें मनीष तिवारी के एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव डील, ओवैसी के सुखोई 30 विमान डील और कलिकेश नारायण सिंह के सवालों पर दिए गए जवाब हैं। ये सवाल यूपीए कार्यकाल के दौरान डिफेंस डील पर पूछे गए थे। राहुल गांधी ने इन सवालों के साथ ही उनके जवाब को भी जोड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा था कि राहुल ऐसा कर देश की सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान जेटली ने राहुल को पूर्व रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी से सीखने की नसीहत भी दी थी। लेकिन राहुल गांधी ने पिछली सरकार में दिए गए जवाबों को सोशल मीडिया पर पेश कर सरकार को नई चुनौती दे दी है। जाहिर है राफेल को लेकर राहुल का जो रुख दिखाई दे रहा है उससे इतना तो साफ है कि वो इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में कतई नहीं है और आने वाले दिनों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।